एरिया एक्सपीरियंस. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द डिवीजन, डिवीजन बाय द निकलम. ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द निकलम, निकलम इज यूज व्हेन द डिवीजर इज नियर टू 10 और 8 एक्सपोनेंट्स. ओके, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सूत्र प्रावर्त्य योज्यते. ओके, सो डिवीजन बाय सूत्र प्रावर्त्य योज्यते. This is the name of the formula paravartya yojyate. Division, we are to learn what? Division. So when we use, हमने निकलम से सीखा, तो हम इसे कब यूज करें और क्यों यूज करें. हर किसी की यहाँ कंडीशन है, उस फॉर्मूले को हम तभी यूज करते हैं जब वो सूटेबल होता है, मतलब हमें उस प्रोसेस को इजी बनाना है. तो इसका यूज हम कब करेंगे, इसका यूज हम तब करेंगे जब डिवीजन में जो डिवीजन का प्लेस वैल्यू है, मतलब लास्ट प्लेस वैल्यू है उसका, वो नियर 10 और इट्स मल्टीपल्स के नियर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 15 लाइक एंड सो 9. सो ऑल डिजिट्स आर नियर टू 10. सभी ही यूनिट डिजिट, ये वाला लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. इसकी कंडीशन है ये कि लेफ्ट हैंड से जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे 111, 112, 101, 102, 103 एंड सो ऑन अप टू जो भी आप कहते. तो इस तरह से इसमें डिवाइड करते हैं. ओके, तो फर्स्ट डिजिट ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ओके, लेट्स एग्जाम्पल देखो इसका. थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी एट इज डिवाइडेड बाय 1358 इज डिवाइडेड बाय 103. सो इट इज 113 इज नियर टू 100. सो बेस क्या लेंगे, इसमें बेस क्या हो जाएगा, 100. बेस इज 100. सो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बेस इज, अच्छा हिंट में लिख दीजिएगा. ओके, बेस इज 100. सो यहां पर जो थर्ड कॉलम होगा, ऑलवेज 3 कॉलम्स होंगे, रिमेंबर दैट. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. ओके, 3 कॉलम्स होंगे. तो फर्स्ट कॉलम में क्या आता है, ऑलवेज डिवीजन आता है. क्या आता है, डिवीजन 130. यहां पर क्या होगा, डिवीजन होगा. उसके बाद में देखो यहां पर बेस क्या है, 100 है. तो थर्ड कॉलम में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट, 2 डिजिट्स पुट इन थर्ड कॉलम. ओके, सो यहां पर ये डिवीजन कितना हो गया, 130. ओके, दिस इज डिवीजन. नाउ उसके बाद में क्या होता है, हम इसमें फाइंड करते हैं क्या, डेविएशन फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं, डेविएशन. सो डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन 130 - 100 विल इक्वल टू 30. ठीक है, सो यहां पर डेविएशन क्या हो गया, 30. उसके बाद फाइंड करते हैं हम क्या, मॉडिफाइड डेविएशन, मॉडिफाइड डेविएशन. ओके, क्या फाइंड करते हैं, मॉडिफाइड डेविएशन या मॉडिफाइड डिजिट.
सो मॉडिफाइड डिजिट्स क्या हो जाएंगी इसकी? इसमें क्या होता है, जो ये 13 है इसके डिजिट्स में आगे माइनस ऐड हो जाता है, तो ये -1 और माइनस क्या हो जाता है 3 हो जाता है इस तरह से। तो ये डिजिट्स क्या हो जाती है, -1 और -3 हो जाती है, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, हर डिजिट के आगे माइनस लगा देते हैं। नाउ मॉडिफाइड डिजिट्स क्या हो जाएंगी, मॉडिफाइड डिजिट्स ये क्या हो जाएंगी, -1 -3। लेट्स सी यहां पर नंबर क्या लिखोगे, 13, क्या लिखोगे 13, और यहां पर नंबर क्या लिखोगे 58, क्या हो जाएगा 58। सो फर्स्ट आप फर्स्ट वाले में यहां पर हम क्या करते थे, 1 उतारते थे, नोट करते थे 1, तो यहां पर भी 1 नोट करोगे, क्या नोट करोगे 1। निकलम में जो करते थे सेम उसी तरह से प्रोसेस, अब इस 1 का मल्टीप्लाई आप इन मॉडिफाइड डिजिट से करोगे, तो यहां पर क्या रहेगा -1 और -3, -1 और -3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, यहां फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 नोट करेंगे किसमें, मिडिल कॉलम में, 1 नोट करेंगे किसमें, मिडिल कॉलम में, नोट 1 इन मिडिल कॉलम। ओके, 1 नोट किया, उसके बाद हम 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मॉडिफाइड डिजिट से। सो मॉडिफाइड डिजिट से 1 का मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई विद मॉडिफाइड डिजिट, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई विद मॉडिफाइड डिजिट। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विद -1 -3, दैट विल इक्वल टू -1 -3। तो ये आएंगे, इन्हें हम कहां पर नोट करेंगे, नोट इन द सेकंड कॉलम, किसमें नोट किया, सेकंड कॉलम। ओके, फिर से सुनो, 1 नोट किया, 1 का मल्टीप्लाई मॉडिफाइड डिजिट से किया, तो यहां पर क्या हो गया -1 और -3, ये नोट कर दिए। अब इसमें थर्ड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 3 में -1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। ओके, तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे, और यहां से मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, देख इस 2 कैसे आया, 3 -1 दैट विल इक्वल टू 2। ओके, नोट इन सेकंड कॉलम ब्लू, नीचे की तरफ ऐड किया है। ओके, थर्ड ये था, फोर्थ ये, फोर्थ। अब नेक्स्ट में क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, मॉडिफाइड डिजिट से, मॉडिफाइड डिजिट से 2 मल्टीप्लाई विद -1 -3, तो आंसर क्या आएगा -2 -6। तो यहां पर क्या हो गया -2 और -6। ओके, फोर्थ नोट इन थर्ड कॉलम, फिफ्थ में क्या आएगा, हमने -2 -6 नोट किया, अब इसमें ऐड कर दो, तो 5 प्लस, तो -3 -2 = 0 एंड 8 -6 = 2। सो क्या हो गया, Q = 12 एंड R = 0। ओके, लेट्स सी अगेन, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, पहले आप सुनो, इसमें बेस क्या था, 100 था, बेस क्या था 100, तो जितना बेस होता है उतनी ही डिजिट्स यहां पर आती है, अगर 100 है तो 2 डिजिट्स, अगर 10 है तो 1 डिजिट। ओके, ये वाला पार्ट क्या होता है, रिमाइंडर वाला पार्ट होता है, ये ऑलवेज शॉर्टहैंड क्लिक करता है, डिविडेंड यहाँ पे लिखा होता है, और डिविजन वाला पार्ट कौन सा होता है, दिस इज। ओके, सो यहाँ पर डिविजन क्या था, 113, ये 100 बेस था, तो 100 बेस सब आप सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर में से, तो 13 क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेविएशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेविएशन।
उसके बाद हम फाइंड करते हैं मॉडिफाइड डिजिट। मॉडिफाइड डिजिट जब हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। हर एक डिजिट में किसका साइन लगा देते, माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे हमने निकलंबी किया था सेम प्रोसेस, यहाँ पर वन है तो वन रूट करेंगे। ओके, वन का मल्टीप्लाई मॉडिफाइड डिजिट से करोगे, वन का मल्टीप्लाई मॉडिफाइड डिजिट से करोगे, जो आएगा उसे इस कॉलम में नोट कर देंगे, सेकेंड कॉलम में। फिर इन द नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम वाले नेक्स्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो थ्री माइनस वन ऐड किया तो टू, टू यहाँ पर आ गया, टू को इसमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया मॉडिफाइड डिजिट से, तो ये क्या हो गया, माइनस टू, माइनस सिक्स, इसे नोट किया नेक्स्ट वाले ने। अब ऐड करेंगे क्या, नेक्स्ट वाला कॉलम, नेक्स्ट वाला कॉलम ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री माइनस टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। एंड एट माइनस सिक्स क्या आया यहाँ पर, टू, तो ये क्या हो गया, जीरो एंड टू आपका रिमाइंडर क्यों अटेंड हो गया, ट्वेल्व। ओके, सो दिस इज द योर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसी का एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। डेविएशन क्या हो जाएगा, वन थ्री टू वन माइनस थाउजेंड इक्वल्स टू थ्री टू वन। मॉडिफाइड डिजिट्स क्या हो जाएंगी, मॉडिफाइड डिजिट्स में ओनली साइन चेंज करना होता है, तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक है। अब यहां पर नोट कर दो सभी चीजों को, यहां पर ये कितना है, वन थ्री टू वन, थ्री टू वन, यहाँ पर ये डेविएशन क्या आएगा, थ्री टू वन, तो ये माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। ओके, अब देखो यहाँ पर बेस क्या था, थाउजेंड, तो थ्री डिजिट्स किसमें आएंगे, इधर आएंगे, वन सिक्स सिक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, थ्री नाइन फाइव। ओके, सो दीज वैल्यूज विल कम, लेट्स, अब क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सिस्टम में नोट थ्री बिलो, नोट थ्री बिलो, नोट थ्री इन सेकेंड कॉलम, ओके, तो थ्री नोट किया हमने इस तरह से। ओके, उसके बाद थ्री का मल्टीप्लाई किससे करोगे, मॉडिफाइड डिजिट से, सेकंड में क्यों टाइम मल्टीप्लाई विद मॉडिफाइड डिजिट करते हो आप, ये प्रोसेस इजी है इसलिए आपको आगे चाहिए। देखो यहां से थ्री का मल्टीप्लाई मॉडिफाइड डिजिट से, तो थ्री मल्टीप्लाई विद माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए वैल्यूज का, माइनस नाइन माइनस सिक्स और माइनस थ्री, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले को ऐड करोगे, ऐड करो नाइन माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, नोट इन सेकंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में नोट कर दो, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम में नोट किया, नाइन माइनस नाइन क्या आ गया, जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी के टर्म से करोगे तो क्या आएगी, जीरो आएगी, क्या आएगी, जीरो। ठीक है,
तो जीरो मल्टीप्लाई करोगे किससे, मॉडिफाइड डिजिट से। मॉडिफाइड डिजिट क्या है, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, आंसर क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, नोट इन द मिडिल ऑफ सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम की मिडिल में। तो मिडिल क्या हो जाएगा, देखो आप इसे आप छोड़ दोगे यहां से, तो यहां पर क्या लिखोगे, जीरो जीरो जीरो, यहां तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। अब इसे ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है, नोट करो यहां पर, फिफ्थ फाइव माइनस सिक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहां पर ये जो आएगा वो माइनस वन, इसे मैं ऊपर नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, नोट करने का ये भी मैनर है। तो ये क्या हो गया, माइनस वन। अब इसे क्या करोगे आप, चेंज यहां से रेज कर रहे हैं, देखो अब इस माइनस वन का मल्टीप्लाई करोगे इन सब टर्म में, तो ऑल टर्म्स क्या हो जाएंगे, प्लस वाले टर्म्स हो जाएंगे। मतलब नोट यहां पर यह लाइन है, नोट बिलो एन सेकंड। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, यहां पर इस माइनस वन का मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन से, तो क्या आएगा, थ्री टू वन। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, थ्री टू वन, ओके थ्री टू वन लिखेंगे। अब यहां पे सॉल्व करें इसे, सेवन नोट इन थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहां से ऐड करो वन माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री इक्वल्स टू वन। उसके बाद क्या आएगा यहां पर, सिक्स प्लस टू जीरो प्लस टू एट, और क्या आएगा यहां पर, सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन। सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्योर टाइम क्या हो जाएगा, सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू वन एट सेवन। अब एक बात बताओ, ये रिमाइंडर इसके स्मॉलर है ना डिविजर से, अगर ये स्मॉलर है तो ये करेक्ट है, अगर स्मॉलर नहीं है तो फिर ये इनकरेक्ट है। अब लेकिन प्रॉब्लम हो गई यहां पर, ये क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये किसी से क्या ले, कैरी, क्या ले, कैरी ले। तो ये किससे कैरी ले सकता है, ये कैरी लेगा किससे, नाइन से। देखो क्यों टाइम क्यू इज क्वेश्चन थ्री जीरो वन, दे आर वन इज नेगेटिव, वन क्या है, नेगेटिव। कौन सा वाला वन है बेटा, ये स्क्योटेंट वाला वन है, तो वन क्या है, नेगेटिव। दे आर वन इज नेगेटिव, सो अब आप क्या करोगे यहां से, बेटा आपने विनिकलम फॉर्मूला पढ़ा है, विनिकलम वाला, जब इसे चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, विनिकलम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाय द विनिकलम से यूज करेंगे, विनिकलम विनिकलम से। उसमें क्या करोगे आप, इस वाले टर्म से इसे कैरी दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन, टेन में से वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो नाइन। सॉल्व सो सॉल्व यूज विनिकलम विनिकलम, ये आपको मैं समझा रहा हूं वो समझ लो। ठीक है, तो निकलम से विनिकलम से क्या हो जाएगा, देख ये जो वन है वो टेन में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो यहां पर थ्री जीरो वन ये क्या हो जाएगा, टेन में से सब्ट्रैक्ट होगा, टेन में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये नाइन, और ये वाली जो सेकंड डिजिट है वो नाइन में से सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो यहां पर क्या आएगा, नाइन।
और नेक्स्ट वाले पर क्या आ जाता है, डॉट आ जाता है, डॉट वो भी अंडर वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, टू। फिर से सुनो क्या होता है, इसे टेन में से सब्ट्रैक्ट करो, इसे नाइन में से सब्ट्रैक्ट करो, और इस वाले के अंडर में क्या आ जाएगा, वन, डॉट आ जाएगा, अंडर में लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये समझाने के लिए आपको लिख दिया। तो अब क्यू अटेम्प्ट क्या हो गया, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्यू इक्वल्स टू 299 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू सेम रहेगा, रिमाइंडर नो विल बी चेंज, ओके। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब फिर से सुन लो एक बार, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या। पहले हमने देखा ये थाउजेंड वाला है, तो बेस लिया हमने थाउजेंड, तो यहाँ पर ये डिविजन क्या आ जाएगा, थाउजेंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, 2, 1। मॉडिफाइड डिजिट्स, मॉडिफाइड डिजिट्स में माइनस साइन लगा दोगे, -3, -2, -1। पहले वाली डिजिट जो होती है, फर्स्ट डिजिट होती है, उसे नोट करते हैं एज इट इज इन द मिडिल कॉलम। यहाँ पर नोट किया आपने क्या, 3 नोट किया, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3, 2, 1 से, तो यहाँ पर ये हो गया -9, -6 और -3। अब इसको ऐड किया हमने नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो गया 9 + 9 0, बिकॉज ये माइनस में ये प्लस में, ओके 0। तो 0 को मल्टीप्लाई मॉडिफाइड डिजिट से किया, तो 0, 0, 0। उसके बाद इनको ऐड किया तो ये आ गया -1, ओके। अब -1 को मल्टीप्लाई करोगे मॉडिफाइड डिजिट से, तो 3, 2, 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या किया, रिमाइंडर वाले पार्ट को ऐड किया, 1, 3, 3 को ऐड किया तो 1, 6, 2, 8 इसको ऐड किया तो ये क्या आ गया, 7। यानी प्रॉब्लम विद इट आई थिंक सो, लेट्स सी। अच्छा, अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता तो हम क्या करते, 1 < से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है, 1 < कर देते, ये प्रोसेस एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है, माइनस वाला। देखो जैसे हमने कल किया था निकल, उसके बाद आर इक्वल टू 187 आ गया आपके पास, क्यों टाइम इक्वल टू 309 301। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो यूज करेंगे निकलम विनकुलम फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है कि जो ये है 1, जो ये फर्स्ट वाले डिजिट है जिसपे विनकुलम लगा हुआ है, उस विनकुलम वाले डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो, नेक्स्ट वाले को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो, और लास्ट में जो डिजिट होती है उसके अंदर में 1, एक यूनियन पूर्व डॉट लगाते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड निकलम एंड परावर्त्य योज्यते। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये आपका वर्क है बेटा, होमवर्क में। अब आपके पास क्या हो गया, देखो आज के लिए हो गया परावर्त्य योज्यते, परावर्त्य योज्यते एक ये हो गया। कल मैंने जो कराया था लास्ट वीडियो में, जो मैंने कराया था वो क्या था, निकलम, ठीक है। तो डिवीजन बाय निकलम और डिवीजन बाय परावर्त्य योज्यते, ये आपको सुनने हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको अपनी SW में करना है, ओके ओके। मैं इसका एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, ध्वजांक मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या ध्वजांक बता दें, ओके ध्वजांक बता देते हैं आपको। लेट्स सी, एक ध्वजांक देखो, देख 98765 मैं ध्वजांक बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दैट ध्वजांक, और इसके स्टार लगा दो बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ध्वजांक से। देखो होता क्या है इसमें, 98765 को डिवाइड करना है 81 से, तो इसमें क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो इसमें ऑलवेज यहां अगर ये 81 है तो 1 वैल्यू लिखेंगे, जितनी वैल्यू ध्वजांक में होती है, ध्वजांक में जितनी वैल्यू होगी उतने ही यहाँ थर्ड कॉलम में नंबर होंगे। सो इसे हम लिखेंगे 87, ये होती है फ्लैट वैल्यू या ध्वजांक जिसे क्या कहते हैं, ध्वजांक, ठीक है। ये होती है क्या, डिवीजन वाली वैल्यू, ये डिवीजन होता है,
यहाँ मिडिल में अगर वजन के यहाँ वन डिजिट आया तो यहाँ पर भी क्या आएगा वन, ठीक है। अब रिमेनिंग कैसे लिखोगे, 9, 8, 7, 6 इनके बीच में गैप होना चाहिए, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ दोनों जगह स्पेस होना चाहिए, नीचे जो आप 500 लिखने वाले हैं वहां पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर पहले इसको मॉडिफाइड भी किया जाएगा और सो भी किया जाएगा। अब देखो क्या है यहाँ पर, बस मैं हिंट बताता हूँ आपके लिए, आप डिवाइड करोगे 8 से 9 को। पहले हमने क्या लिखा, डिवीजन इक्वल टू 8 एंड भजन, इसे मुख्यांक भी कहते हैं, ठीक है, भजन इक्वल टू 7। सो इन थर्ड कॉलम only single value will place, okay। तो क्या put किया हमने, single value only 5। तो यहां पर समझो कि हमने यहां पर 7 है सिंगल यूनिट डिजिट है इसलिए 5 put किया, रिमेनिंग वैल्यूज को हमने मिडिल सेक्शन में, ओके। ये फर्स्ट, सेकंड, अब जो ये फर्स्ट वैल्यू है 9, इसे डिवाइड करोगे डिविजन से, 9 इज डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज प्लस टू 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो बेटा जो जितने टाइम डिवाइड होता है उससे लिखते हैं हम उसके नीचे 1 और जो रिमाइंडर रहता है उससे कहां लिखते हैं हम यहां, ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम डिविडेंड, क्या लिखते हैं डिविडेंड, मैं यहां लिखा हूं डिविडेंड इक्वल टू क्या हो गया 1 8, ओके 1 8 हो गया। अब इस 1 8 को 18 को आप क्या करोगे, न्यू डिविडेंड फाइंड करोगे, तो न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा, न्यू डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, न्यू डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, दिस शॉर्ट एंड मल्टीप्लाई विद फ्लैग वैल्यू और उसे माइनस कर देते हैं डिविडेंड में से, मीन्स डिविडेंड माइनस न्यू और डिविडेंड माइनस ओके देख डिविडेंड माइनस क्योर टाइम मल्टीप्लाई विद फ्लैग वैल्यू, मैं फ्लैग वैल्यू को एफ से छुपा रहा हूं। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, डिविडेंड क्या था 18 माइनस क्योर टाइम 1 और फ्लैग वैल्यू क्या थी 7, सो आंसर क्या गया 11। इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, इस 11 को डिवाइड करोगे 8 से, कितने टाइम 1 टाइम, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, 8 से डिवाइड हुआ 1 टाइम, रिमाइंडर इज 3, तो यहां पर इसमें क्या आएगा ये 1 और रिमाइंडर जो 3 है उसे नेक्स्ट डिजिट के अंडर, ओके ये हो गया। तो डिविडेंड क्या हो गया यहां से, डिविडेंड इक्वल्स टू 37, न्यू डिविडेंड फाइंड करो यहां से, न्यू डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस क्यू इंटू फ्लैग वैल्यू, तो यहां पर ये क्या है डिविडेंड कितना था 37 माइनस क्यू, क्यू क्या था यहां पर 1 टाइम डिवाइड था ना, तो 1 मल्टीप्लाई 7, सो आंसर मिलेगी 30। इन द नेक्स्ट स्टेप फर्दर डिवाइड करो इस 30 को, 30 इज डिवाइडेड बाय 8, 38 से डिवाइड होगा कितने टाइम 3 टाइम, रिमाइंडर विल बी 6, तो ये कितने टाइम डिवाइड हुआ 3 टाइम और रिमाइंडर विल बी 6। तो इसे नेक्स्ट के नीचे नोट करोगे,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल्स टू सिक्स सिक्स। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इसलिए ओके, आगे यहीं को यहां पर देखो न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा, यहां से न्यू डिविडेंड 66 माइनस होगा 3 इंटू 7, तो क्वोटेंट क्या था 3 और 7 क्या यहाँ पर फ्लैग वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 21 सब्ट्रैक्ट होगा 61 में से और 66 में से, सो 45 आंसर आएगा, क्या आएगा 45। तो यहाँ पर ये क्या है 45। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 45 को 8 से 5 टाइम और रिमाइंडर क्या आएगा 5, कितने टाइम 5 टाइम और 100 क्या है यहां पर 5 ओके। सो ये डिविडेंड क्या हो गया 65 बेटा, अब ये डिविडेंड वाला कॉलम है क्या, ये तो रिमाइंडर वाला कॉलम है, तो यहां से आप रिमाइंडर रखेगा, रिमाइंडर में सेम प्रोसेस यूज करोगे 55 माइनस 5 इंटू 7, तो ये क्या जाएगा 20, तो यहां पर क्या आएगा 20। सो फाइनल लिख देंगे फाइनली क्यू इज इक्वल टू 1135 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 20। मैं यहां पर लिख रहा हूं इसे क्यू इज इक्वल टू क्या है 1135 एंड आर इज इक्वल टू क्या आ गया 20। ये लिख देंगे लास्ट में यहां पर, ठीक है यहां पर लिख देंगे, फिर से सुन लो हमने क्या किया, ओके हमने इसमें क्या किया था, हमने पहले न्यू डिविडेंड 66 फाइंड कर लिया था, उसके बाद 66 माइनस 3 इंटू 7 45 को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, उसके बाद 45 को डिवाइड किया, जो 45 न्यू डिविडेंड है 45 को डिवाइड किया 8 से 5 टाइम रिमाइंडर 5, डिवीजन क्या था 55, वहां पर 55 आया ना, तो वो एक्चुअल में लास्ट कॉलम है, तो वो किसका है, वो रिमाइंडर का कॉलम है, रिमाइंडर का है, तो यहां से रिमाइंडर बनाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 55 माइनस 5 इंटू 7, तो ये कितना आएगा 20, तो आपका रिमाइंडर 20 हो गया और ये क्या हो गया 35 हो गया ओके। सो आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस, पहले आप डिवीजन लिखोगे, फ्लैग वैल्यू लिखोगे और थर्ड कॉलम में उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सेट करोगे, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करोगे 9 को 8 से डिवाइड करोगे, अगर ये डिविजिबल है तो यहाँ पे 1 टाइम और रिमाइंडर क्या है 1, इस 1 को नोट करोगे यहाँ पर और जितने टाइम डिवाइड होता है क्वोटेंट वाला कॉलम क्या है ये, तो क्वोटेंट क्या हो गया ये। उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर न्यू डिविडेंड फाइंड कर लिया, न्यू डिविडेंड किस तरह से फाइंड करते हैं, जो डिविडेंड आया वो माइनस करोगे उसमें से क्या क्वोटेंट इंटू फ्लैग वैल्यू, क्वोटेंट क्या है 1 और फ्लैग वैल्यू 7, तो 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 11 को डिवाइड करोगे 8 से, तो 1 टाइम और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, रिमाइंडर क्या आ गया 3। उसके बाद में ये क्या हो गया डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या यहाँ पे लिखते हैं 3 के लिए 37, उसके बाद में न्यू डिविडेंड फाइंड करोगे तो डिविडेंड माइनस क्वोटेंट मल्टीप्लाई विद फ्लैग वैल्यू, तो यहाँ पर 37 माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 30, 30 को डिवाइड करोगे 8 से 3 टाइम रिमाइंडर 6, तो डिविडेंड क्या हो गया 66 इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू सेवन, ये 45 है। अब इसी तरह से फर्दर प्रोसेस करोगे 45 इज डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5, रिमाइंडर इज 5, डिविडेंड इज दिस, तो ये सब आपको सॉल्व करना है। अब रिमेनिंग आपको एक बार हम प्रोग्राम फिर से कल नेक्स्ट वीडियो बताएंगे ओके। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, सो यू आर टू वर्क, यू आपको वर्क करना है अपने नोटबुक में निकलम का प्रावर्ती योजित का ओके।